हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि किस हम यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पीकर्स कैसे काम करता है और सबवूफर्स कैसे काम करता है। तो जो सबवूफर और स्पीकर है बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, आप इस वीडियो में मैं अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो स्पीकर है, स्पीकर बेसिकली तीन कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, जैसे कि आपका डायफ्राम, उसके बाद कॉइल, तीसरा पार्ट है आपका मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कॉइल है, वो कॉइल कहाँ पे लगा दिया जाता है, उसका डायफ्राम के ऊपर बिल्कुल चिपका दिया जाता है। फिर उस कॉइल में क्या होता है, वहां पे आपका पोटेंशियल दिया जाता है। जब भी उस कॉइल में पोटेंशियल लगता है तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो मान लीजिए इस तरफ नॉर्थ हो गया और इस तरफ साउथ हो गया, ठीक है। अब जब इस तरफ नॉर्थ हो जाता है, आपका जो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ था उसका भी हम मान लीजिए इस तरफ नॉर्थ ही रखा गया है, तो क्या होगा कि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में दूर चला जाएगा, तो क्या होगा आपका जो स्पीकर का डायफ्राम है वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब हम ये सीख लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये कहाँ से आता है। ये पोटेंशियल आपका एम्पलीफायर से आता है, बिल्कुल सिंपल फंडा था। अब हम आ जाते हैं कि आपका सबवूफर कैसे काम करता है। दोस्तों जो सबवूफर है उसका जो डायफ्राम लगा हुआ रहता है वो थोड़ा मोटा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीकर। अगर मैं नॉर्मल स्पीकर की बात करूँ, उस पर डायफ्राम थोड़ा पतला होता है, तो इसीलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों नोट्स को ये कैप्चर कर सकता है। वैसे कि अगर सबवूफर की मैं बात करूँ, ये ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो डायफ्राम है तो डायफ्राम इसमें थोड़ा मोटा रहता है। तो डायफ्राम मोटा रहने से क्या होता है, इसका जो स्पीड है, जैसे कि इसका जो वाइब्रेशन का स्पीड है वो कम हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितना तेजी से वाइब्रेट करेगा उतना ही आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे वाइब्रेशन ही कम तेजी से हो तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ज्यादा मिल सकता है, कभी भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपका सबवूफर में आप कैसे साउंड सुनते हो, गुप 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 गुप, इस तरह के साउंड सुनते हो, क्योंकि ये ऊंचा फ्रीक्वेंसी को कैप्चर नहीं कर सकता। अगर आप एक सबवूफर के स्पीकर को एक नॉर्मल एम्पलीफायर के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा कि वो साउंड तो निकालेगा पर बहुत लो फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालेगा और हर एक नोट्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर एक नॉर्मल स्पीकर की बात करूं मैं, तो नॉर्मल स्पीकर वो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों नोट्स को कैप्चर कर सकता है। नॉर्मल स्पीकर की मैं बात करूं तो अगर ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी का हो, जैसे कि गुप गुप वाला जो साउंड है, वो उतनी अच्छी तरह से वो नहीं कर पाएगा, जो स्पीकर का डायफ्राम है उस पर प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों हम पहले ये सीख लेते हैं कि सबवूफर तो ठीक है, मैं सबवूफर को साइड में रखता हूँ। अब हम ये सीखेंगे कि सबवूफर जिस मशीन के अंदर लगाया जाता है जिसका नाम है एम्पलीफायर, अब उस एम्पलीफायर में ऐसा क्या किया जाता है कि जो सबवूफर है वहां पर से गुप गुप वाला साउंड आता है, वहां पे कोई गाने का साउंड जो है वो नहीं आता, ऐसा क्या होता है। तो दोस्तों वहां पे जो आपका सर्किट है, सर्किट में ऐसा कर दिया जाता है कि जो सर्किट है वो सिर्फ उसी स्पीकर को सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी का नोट्स दे, और जो हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी नोट्स का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर सिर्फ नॉर्मल स्पीकर को दे जो आप बाहर लगा के सुनते हो, और जो आपका स्पीकर है, जो आपका सबवूफर का स्पीकर था वो उस ऊपर के अंदर लगा दिया जाता है, या तो एम्पलीफायर के अंदर लगा दिया जाता है, या फिर उसके लिए अलग से एक बॉक्स आता है तो वहां पे वो लगा हुआ रहता है। तो उसका उसके लिए सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी का नोट्स उसको दिया जाता है ताकि वो हाई फ्रिक्वेंसी का नोट्स उसमें ना जाए, और आपका जो नॉर्मल स्पीकर है वहां पे आपको लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी दोनों मिलता है, पर वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो लो फ्रिक्वेंसी है वो उतना उसमें क्लियर नहीं होता, वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि उसका जो डायफ्राम है वो पतला है और इसका जो डायफ्राम है ये मोटा है। तो अगर ये डायफ्राम मोटा होता है तो ये जो वाइब्रेशन का स्पीड है ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये भारी हो गया है, और इसका जो डायफ्राम है इसके पतला होने की वजह से ये हल्का है तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीकर कैसे काम करता है, जो सबवूफर से ये कहाँ से स्पीकर से अलग है। तो उसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर से एक लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो के साथ आपका कोई कंफ्यूजन हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में तो लिखना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस लेके अपने चैनल में रोज आता रहता हूँ। और आपका मुझे सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल वाला आइकॉन रहता है उसे भी जरूर दबा के जाना, तो इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।